अगर आपकी पढ़ाई में बाधा आ रही है तो उसे कैसे दूर करें, आज पंडित जी से हम समझ रहे हैं। पंडित जी, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आ रही है, पढ़ाई लिखाई में समस्याएं आ रही हैं, तो उसके कारण क्या हैं और उसके निवारण क्या हैं? अब ये जानते हैं कि अगर शिक्षा में बाधा आ रही है तो कौन सा ग्रह ये बाधा पैदा कर रहा है और इसका समाधान क्या है, निवारण क्या है। देखिए, अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। जल्दी धन कमाने के चक्कर में ये लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते और छोटी मोटी नौकरी या बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। बुद्ध की गड़बड़ी के कारण शिक्षा में मन ही नहीं लगता। जिन बच्चों का, जिन लोगों का बुद्ध गड़बड़ हो उनका पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। बार बार अपने विषय बदलेंगे, कभी साइंस में, कभी आर्ट में, कभी कॉमर्स में, कभी कहेंगे मैं घर से पढ़ूंगा, कभी कहेंगे हॉस्टल में पढ़ूंगा। बार बार अपने विषयों में और तरीकों में बदलाव करते हैं। नतीजा ये होता है कि शिक्षा बुरी तरह से बिगड़ जाती है। अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो आप पढ़ाई तो पूरी कर लेंगे लेकिन आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। 3 साल का ग्रेजुएशन है, आप 2.5 साल तक पढ़ेंगे, पढ़ाई छूटेगी, डिग्री पाते पाते रह जाएंगे। यानी बृहस्पति ज्ञान का, डिग्री का मालिक है। इसलिए अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो डिग्री मिल पाने में समस्या होती है। और जिन लोगों का बृहस्पति गड़बड़ होता है, ऐसे लोग दिमाग वाले भले ही हों लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता, उनके पास डिग्री नहीं होती, उनके बुद्धि का, उनके ज्ञान का रिकग्निशन नहीं होता, मान्यता नहीं होती। तो मोटे तौर से सूर्य, बुध और बृहस्पति ये गड़बड़ हो करके पढ़ाई को गड़बड़ कर देते हैं, पढ़ाई बीच में छूट जाती है और योग्यता होने के बावजूद आदमी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है। अगर आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, तो आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, पढ़ाई लिखाई में कौन से ग्रह मदद करते हैं, आज पंडित जी से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले, पढ़ाई अच्छे से हो, इसके लिए हमें क्या विशेष उपाय करना चाहिए? अब आप चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं या माता पिता हैं, चाहते हैं कि बच्चे की शिक्षा ठीक हो, या आप खुद ही स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा ठीक हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। 10 बजे के पहले नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा, कम से कम 27 बार या 108 बार सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद। सप्ताह में एक दिन किसी धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं और वहां जाकर कुछ देर बैठें, कुछ देर प्रार्थना करें तो अच्छा होगा। और जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां लाइटिंग ठीक रखिएगा, ढेर सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए। पढ़ने की जगह अंधेरे में मत रखिएगा, वहां लाइटिंग और पढ़ाई ठीक हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक पन्ना, एक माणिक्य या एक पन्ना आप धारण करेंगे अगर सलाह लेकर के, तो निश्चित रूप से आपका फोकस बेहतर होगा,
आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज्यादा ईमानदारी से चल पाएंगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।